Hi students, right? So today we are going to learn chapter number 7, food and nutrition. So let's see what is there in food and nutrition, right? First I will read and simultaneously I will explain. So please pay your attention, right? Okay, can you recall, right? Kya aap yaad kar sakte ho? Why do we need food? Hame khana kyun lagta hai? Theek hai? What is meant by diet? Diet kise kehte hai bachcho? What are the reasons for variations in diet? Theek hai? Diet mein variations kahan se aate hai bachcho? Theek hai? To ye sari cheeze kya aapko pata hai? Nahi na? Chaliye dekhte hai. Can you tell? Some of the food items in our everyday meal are given below. ठीक है ना? अभी जो नीचे दिए गए हैं, हम रोज खाते हैं, उसके अंदर के कुछ नाम है बेटा. जैसे read their names. चलिए उसके नाम पढ़ते हैं. राइस है ना, मूंग दाल है, आमटी जिसे कहते हैं मूंग दाल आमटी, राइट? चावली, उसल जिसे कहते हैं चाप, राइट? चपातीज है ना, जवार, बाखरी, कैबेज, राइट? कैबेज भाजी है, फिर पम्पकिन रायता है, कैरेट सलाड है ना, ऑनियंस पकोड़ाज है, गार्लिक चटनी है, ठीक है, लेमन पिकल है, योगर्ट है मतलब दही, पापड़ फिर खाते हैं हम लोग. तो ये सारा चीज हमारे एक दिन के खाने में होता है या फिर दिन ब दिन के खाने में हमको ये सारी चीजें हम खाते हैं कि नहीं बच्चों, है ना, राइट? Which of these dishes are served with large spoons or ladles and which ones with very small spoons? ठीक है, अब ये सारी चीजें जो होती है ना, वो कौन सी चीजें, लाइक उसमें से बड़े चम्मच से क्या क्या परोसा जाता है आपको, राइट? पिकल ऐसा एकदम बड़ा चम्मच लेके आपको दिया जाता है? पिकल नहीं ना, छोटे चम्मच से दिया जाता है, ठीक है? और जो रायता होता है या फिर दाल होता है वो कैसे एकदम छोटे, मम्मी एक एक स्पून से डालती है, वो बड़े चम्मच से डालती है. तो ये आपको बताना है, ठीक है? राइस कैसे डालती है, छोटे से चम्मच से राइस डालती है, 5 चम्मच राइस खाओगे आज, नहीं ना, राइट? तो ऐसे अलग अलग राइस होते हैं, तो कौन से चम्मच से क्या मम्मी डालती है ये आपको बताना है, राइट? विच ऑफ दिस डिशेज आर सर्व्ड विथ लार्ज स्पून और लैडर्स एंड विच, राइट? नाउ डिवाइड दिस फूड आइटम्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज विच आर ईटन इन लार्ज क्वांटिटीज एंड दोज विच आर ईटन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, है ना, ठीक है? आप पूरा जो है पिकल या फिर दही, पूरा दही खा जाते हो एक दिन, या फिर पूरा पिकल ही खाते रहते हो, अचार ही खाते रहते हो, नहीं ना, ठीक है? दही बहुत कम खाते हो, अचार जो है वो तो बहुत सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हो, चावल बहुत ज्यादा खाते हो. तो ऐसे जो चीजें बहुत ज्यादा खाते हो वो अलग, और जो बहुत कम खाते हो वो अलग, राइट? तो आपको दोनों टेबल बना करके दिखाना है मुझे. वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है? स्टेपल फूड. अब ये स्टेपल फूड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं. चपाती है, बाकरी है और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव, ठीक है, राइट? जो भी हम खाते हैं बच्चों, हर घर में चपाती तो मिलेगा ही मिलेगा, भाकरी मिलेगा या फिर राइस मिलेगा आपको, है ना, राइट? सो वी ईट मोर ऑफ दिस फूड देन ऑफ द अदर्स, राइट? बाकी सब चीजों से हम इन्हें ज्यादा खाते हैं. देयरफॉर व्हीट, जवार, राइस आर सेड टू बी अवर स्टेपल फूड, ठीक है, राइट? तो व्हीट, जवार और राइस को हम क्या बोलेंगे, हमारा स्टेपल फूड बोलेंगे, क्योंकि हम ये बहुत ज्यादा खाते हैं हमारे देश में. हाउएवर विद चपातीज, बाकरीज और राइस वी ईट सेवरल अदर आइटम्स विच मेक अवर मील्स टेस्टियर, है ना, ठीक है? चपाती या बाकरी या राइस के साथ में आप बहुत सारी अलग अलग चीजें खाते हो जो हमारे उस राइस को टेस्ट बनाता है, टेस्टियर बनाता है. बिसाइड्स फॉर रीजंस ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है ना, एक अच्छा हेल्थ आपको चाहिए होता है, एक अच्छी सेहत आपको चाहिए होती है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस फूड आइटम्स इन अवर मील्स, राइट? तो हमको एक अच्छे सेहत के लिए भी कुछ और चीजें हमारे एवरीडे के खाने में मिलना जरूरी होता है बच्चों. वेराइटी इन फूड स्टफ्स, ठीक है, जो खाना पीना होता है उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है. चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या वेराइटीज हमें देखने को मिलती है.
what foodstuffs are used to prepare the other items in our meals, right? चलिए कौन से foodstuffs हम लोग इस्तेमाल करते अलग अलग तरीके के खाने को बनाने के लिए, right? Some of these foodstuffs and their names are shown in the box on page number 43. ठीक है, page number 43 मतलब नीचे वाले page में अब हमारे सामने आने वाला है कि कौन से foodstuffs हम देख सकते हैं. Which ones are your family with, right? If there are some which you have not seen, try to get a look at them. ठीक है, कुछ और चीजें आपके फैमिली के साथ आप खाते हो, लेकिन कुछ और भी चीजें आपको दिखेंगे जो आप नहीं खाते हो. चलिए देखते हैं, चलो देखो क्या क्या है यहाँ पर, क्या आप बता सकते हो कौन सी चीज क्या है, है ना. Look at the foodstuffs in the box. चलो देखो फटाफट यहाँ पर कौन सी चीजें हैं. चीकू है, चिल्ली है ना, फिर जवार है, रेडिश है, एग्स है, क्लव्स है, ग्राउंड नट्स है, सीजम है, बाजरा है ना, फिर क्या है, सैफ्लावर है, राइट, बीटर ग्राउंड है, मिल्क है, रॉ मैंगो है, ब्लैक पेपर है, कुकुम्बर है, फिर राइट, टेमरेंड है, राइट, तो ये क्या है, लेमन है, चिकन है, तो ये अलग अलग फूडस्टफ्स है, वेराइटी इन फूडस्टफ्स. ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस इस सारी चीजों के ऊपर है, चलिए उसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम विच वन डू वी गेट फ्लोर, राइट, फ्लोर मतलब आटा हमें कौन सी चीजों से मिलता है जो हमने ऊपर देखा है. फ्रॉम वॉट डू वी गेट बटर, घी एंड योगर्ट. ठीक है, जो ऊपर देखा है उसमें से बटर, घी और योगर्ट किस किस से मिलता है. फ्रॉम विच वन डू वी गेट ऑयल. ठीक है, हमें ऑयल कौन सी चीजों से मिलता है जो ऊपर हमने देखा है, राइट, विच ऑफ दिस डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. और ये सारी चीजें कुछ उसमें से एनिमल से मिलता है ना, तो कौन सी चीजें है जो एनिमल से मिलती है. विच वंस गिव अ स्वीट सोर बीटर टेस्ट और आर स्पाइसी हॉट. ठीक है, कौन सी चीज तीखी होती है, कौन सी मीठी होती है, कौन सी खट्टी होती है, राइट, और कौन सी कड़वी होती है, ये भी आपको उसमें से बताना है. विच वंस डू वी ईट रॉ, और कौन सी चीजें हम ऐसे ही खा जाते हैं बिना पकाए, राइट, विच वंस डू वी यूज इन स्मॉल क्वांटिटीज. क्या, और फिर उसमें से भी वापस कौन सी चीजें हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, विच वंस आर यूज इन लार्ज क्वांटिटीज, कौन सी चीजें हम ज्यादा खाते हैं, राइट. तो आपको ये अपना दिमाग लगा करके बच्चों बताना है. ठीक है, राइट, ओके. यू हैव सीन व्हाट अ वाइड वैरायटी देयर इज इन आवर फूडस्टफ्स, है ना, बहुत कुछ है, ये तो बहुत कम है, इसके अलावा बहुत कुछ आप भी देख सकते हो, राइट. वी यूज डिफरेंट फूडस्टफ्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस, है ना, अलग अलग चीजें हम अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं. वी यूज मिल्क टू गेट बटर. ठीक है, हम दूध का इस्तेमाल करते हैं घी बनाने के लिए. वी गेट फ्लोर्स फ्रॉम जावरा बाजरा टू मेक बाकरीज, है ना. ठीक है, जवार और बाजरा से हम क्या करते हैं, उसका आटा बना करके हम उसकी बाकरी बनाते हैं, मतलब रोटी बनाते हैं. टू एड अ सोर टेस्ट, ठीक है, कुछ खट्टा सा या फिर ऐसा टेस्ट करने के लिए. वी मे यूज लेमन और ट्रिमेंड और रॉ मैंगोज, राइट, हम उस टेस्ट के लिए क्या करते हैं, खट्टा टेस्ट के लिए हम टेमरैंड यूज करते हैं या फिर रॉ मैंगो खट्टे आम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, राइट. व्हेन मेकिंग स्वीट्स वी मे यूज एथर शुगर और जागरी विच वी गेट फ्रॉम द शुगर केन. ठीक है, तो जागरी या फिर गन्ना जो होता है ना बच्चों, गन्ना शुगर केन, उससे हमको जागरी या फिर हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं और मीठी चीजों को हम बनाते हैं. बराबर है कि नहीं, राइट, दैट्स गुड. जस्ट एज देयर इज वैरायटी इन द फूडस्टफ्स वी यूज, देयर आर डिफरेंस इन पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. बराबर है कि नहीं, जैसे खाने अलग अलग प्रकार के होते हैं ना बच्चों, लोगों की जो पसंद होती है खाने पीने की आपकी भी होगी, राइट, तो अलग अलग होती है, आप कुछ चीजें खाते होंगे और कुछ चीजें नहीं खाते होंगे. वी टेंड टू ईट द आइटम वी लाइक अगेन एंड अगेन, है ना, जो हमें पसंद है हम उसे बार बार खाने की कोशिश करते हैं.
वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड वॉट वी डोंट लाइक. ठीक है, अगर मुझे कुछ चीजें पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल उसे खाना पसंद नहीं करूंगा. However, the most important thing is to ensure that the food-related needs of our body are all being met. लेकिन सबसे important चीज बच्चों ये है कि जितना आपके शरीर को चाहिए और जो चीजें चाहिए, अगर आप वो नहीं खाओगे तो आप ज्यादा बीमार पड़ोगे, आप वीक रहोगे. तो आपको ये देखना है कि पसंद ना पसंद तो दूसरी चीज है, लेकिन आपके शरीर को जितना चाहिए आपको पहले उतना हर तरीके का आप खाना खाना चाहिए, जिससे क्योंकि हर एक ही चीज से सब कुछ नहीं मिलता है ना. किसी में प्रोटीन्स होते हैं, किसी में विटामिन्स होते हैं, राइट. तो आपको हर तरीके का खाना खाना चाहिए, लेकिन पसंद है वो ज्यादा खाइए. लेकिन अगर आपकी बॉडी को जरूरत है, नहीं पसंद होगा तो भी आपको वो खाना चाहिए बच्चों, राइट. The food constituents that meet the different needs of our body are present in all our foodstuffs in varying quantities. ठीक है, तो कैसे foodstuffs में अलग अलग प्रकार के contents मिलते हैं हमको. Some of these constituents given our body the energy it needs, right? तो कुछ चीजें जो होती है हमारी बॉडी को एनर्जी देती है जो उसे जरूरत है. ठीक है, we work or play all day long. Also, work like respirations and digestions of food goes on inside our body. The body needs energy for all this work, right? हम सुबह से शाम तक काम करते हैं या खेल कूद रहे हैं, right? हम सुबह से शाम तक सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो उसे पचाना भी तो है. तो ये सारा काम हमारा बॉडी करते रहता है. तो इसे करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है. बराबर है कि नहीं बच्चों? राइट. सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो. ठीक है, कुछ चीजें जो खाते हैं तो उससे हमें ग्रोथ मिलता है, हम बढ़ते हैं, राइट. दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ अवर बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन एवरीडे वर्क, राइट. कभी कुछ मार लग जाता है तो उसे भी वापस से वो स्किन आ जाना चाहिए, हेल्दी स्किन आना चाहिए, राइट. तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे खाने पीने के ऊपर ही डिपेंड रहता है. सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प टू नरिश अवर बॉडी. ठीक है, कुछ फूड कंटेंट्स जो है हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, राइट. दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंस दैट गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी, राइट. कुछ और चीजें जो बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है. सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नेसेसरी फॉर सर्टेन स्पेशल रीजंस, है ना. कुछ और जो चीजें है वो कोई स्पेशल रीजन की वजह से जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक अप अ बोन स्ट्रॉन्ग, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिसीज, राइट. कुछ चीजें जो होती है, कुछ खाने पीने की चीजें जो है हमारे हड्डियों को मजबूत बनाती है. फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हमारा जो हेल्थ होता है वो एकदम बराबर हो जाता है, या फिर हम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें हैं जो उस बैड चीजों को मार पाए. ठीक है, एंड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ठीक है, जो भी हमारे शरीर में सब कुछ काम बराबर होना चाहिए, है ना, और उसके लिए क्या पीना चाहिए आपको? बहुत ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए तो सब कुछ बराबर चलता रहेगा, राइट. दैट्स गुड, वंडरफुल. चलिए देखते हैं, इफ अवर बॉडी इज टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी, सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अवर डाइट, राइट. अगर बच्चों आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, अगर आप बहुत तंदुरुस्त रहना चाहते हो, बहुत एक्टिव रहना चाहते हो, खेलना कूदना चाहते हो, तो आपके खाने पीने में बहुत ज्यादा सब कुछ होना चाहिए. ये नहीं कि मम्मी ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा. तो ऐसा अगर करोगे तो आपको कभी भी आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो. आपको सब कुछ खाना चाहिए. We get all these food constituents from different foodstuffs in different quantities. That is why we keep using different foodstuffs in our daily meals. Such a diet ensures proper nourishment for our body. है ना? मम्मी रोज एक ही तरीके का भाजी बनाती है बच्चों? नहीं ना, अलग अलग तरीके की भाजी बनाती है, और अलग अलग तरीके की भाजी से आपको अलग अलग तरीके के विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, राइट, सारी चीजें मिलती है. तभी जाकर के आप हेल्दी रहते हो. तो सारी चीजें खानी चाहिए आपको. बात समझ में आई बच्चों? वेरी गुड. डू यू नो, क्या आप जानते हो, सम पीपल बिलीव दैट कॉस्टली फूड्स आर मोर नरिशिंग देन
इनएक्सपेंसिव फूड्स। कुछ लोग ये मानते हैं कि पैसा ज्यादा लगा कि हम खाएंगे कुछ चीजें तो वो बहुत अच्छा होगा हमारे हेल्थ के लिए, राइट? ये ऐसा मानते हैं लोग, हाँ, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर नॉट मोर नरिशिंग, सिमिलरली ऑल चीपर फूड्स आर नॉट लेस नरिशिंग, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा महंगी चीजें है वही ज्यादा अच्छा है हमारे शरीर के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि जो ज्यादा सस्ती चीजें है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, राइट? तो जिसमें जितना चीज है वो महंगी हो या सस्ती हो, उसमें से जो हमें मिलना है उतना ही मिलेगा, राइट? प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। अब फूड इंग्रेडिएंट्स में हमारे नरिशमेंट को कैसे हम लोग करेंगे? व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड स्टफ्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट, है ना? ठीक है, जब हम खाना पकाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, कुछ चीजें जो है उसके अंदर से निकल जा सकती है, तो उसे निकलने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। When cooking food, add only as much water as is necessary, ठीक है? जब खाना पकाते हैं तो जितना पानी जरूरत होता है उतना ही पानी उसके अंदर मिलाना चाहिए। Use a pressure cooker or cover the food with a lid while cooking it, ठीक है? कभी भी खाना बनाते समय प्रेशर कुकर को में बनाना चाहिए, या फिर किसी में भी बनाएंगे तो हमें उसे कवर करके बनाना चाहिए, ठीक है? स्पूट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम, ठीक है? यूज देम व्हाइल द स्प्रूट्स आर स्टिल स्मॉल, डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग, ठीक है? तो जो कैसे छोटी छोटी चीजें उगती है ना, उसको उगने के बाद में वैसे पका के खा लेना चाहिए। यूज होल ग्रेन फ्लोर विदाउट सिफ्टिंग, ठीक है? पूरा जो राइट, हमें ग्रेन्स जो होते हैं उसे पूरा तोड़ करके नहीं, उसे अक्का अक्का खाने की कोशिश करनी चाहिए, पूरा पूरा खाने की कोशिश करनी चाहिए। ईट फ्रूट्स लाइक चीकूस, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद देयर स्किन्स, राइट? जो चीकू हम लोग खाते हैं, फिग्स खाते हैं, या ग्रेप्स खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं, हमें हमेशा उसे छिलटे के साथ खाना चाहिए, उसका छिलटा निकाल के नहीं खाना चाहिए। समझ में आया बच्चों आपको? बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिशेस, कुकुम्बर्स, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सलाड्स, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें है ना, काकड़ी है आपका, राइट? तो बीटरूट है, तो ये सारी चीजें भी आपको ऐसे जैसे उसे अच्छे से धो करके ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसके तौर पर सलाड के तौर पर। व्हेनेवर पॉसिबल मिक्स टू और थ्री फूड स्टफ्स इन अ डिश, ठीक है? कभी भी जैसे पॉसिबल होता है दो तीन चीजों को मिला करके आपका फूड स्टफ बनाना चाहिए, खाना पीना बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एड ऑनियंस एंड पोटैटोज टू उसल्स, ठीक है? उसल्स में जो है ऑनियन और पोटैटो डालो तो वो टेस्टी बनेगा, और उसमें जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो भी मिलेंगी बच्चों, राइट? एड ड्रमस्टिक्स टू करीज, ड्रमस्टिक्स भी डाल सकते हो आप करीज में। एड सम सोप्ड दाल्स विथ कुकिंग वेजिटेबल्स, ठीक है? वेजिटेबल्स में कुछ सोप्ड दाल्स भी डाल सकते हो आप। चलिए अभी हम देखते हैं, टंग फॉर टेस्टिंग, ये हम खाएंगे तो टेस्ट आएगा, मजा आएगा। एज यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग, ठीक है? हम हमेशा गार्डन में जाके बैठते हैं, तो हम गए और बैठे, रखे, ठीक है? क्या हो गया? मोनिका ताई सेड, ओके, शैल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट योर टंग? अभी मोनिका दीदी ने बोला, क्या आपके जबान के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, फनी चीज बताओ क्या आप लोगों को? एज वी ड्रॉ क्लोजर टू हर शी सेड, ठीक है, हम उनके जब नजदीक गए तो उन्होंने बोला, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर? सोचने वाली बात है, ठीक है? हम बिना शक्कर के पानी को मीठा कैसे बनाते? जस्ट ट्राई दिस, ठीक है? अब इसे आप कोशिश करिए। Chew an amla well and drink water right after that. The water tastes sweet. ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि आमला खाइए आप, और खाने के बाद तुरंत से पानी पी लीजिए, तो क्या होगा, पानी मीठा लगने लग जाएगा, है ना? ओ वाओ, मीठा पानी, ये राइट। सो रियली आई नेवर नो दिस, सेड मैरी, ठीक है? और मैरी ने क्या बोला, अरे मुझे तो ये बिल्कुल पता ही नहीं था।
Okay, the Balu said, we learned last year that our tongue helps us to taste things. But how does only one tongue tell us all the different tastes? ठीक है, तो बालू ने बोला कि लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था स्कूल में कि हमारा जबान हर एक टेस्ट को बताता है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है कि एक ही जबान है तो अलग अलग टेस्ट कैसे बताता है वो, राइट? सुभाष पाइप्ड अप, ठीक है, अब सुभाष ने बोलना शुरू किया. सो डू यू वॉन्ट टू अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट? ठीक है, तो सुभाष ने बोला क्या तेरे को हर जबान के लिए, हर एक टेस्ट के लिए एक अलग जबान चाहिए? That made everyone laugh. और सब लोग फिर हंस पड़े, right? Okay. Monica Tai said, Balu, we have only two eyes. ठीक है, right? Monica Tai ने बोला, Balu, क्या हमारे हमारे पास तो सिर्फ दो ही आँख हैं? And how many colors do we see with them? ठीक है, और इन दो आँखों से हम कितना सारा colors देखते हैं, है ना? So one tongue can also, right? Tell us many tastes, right? So कैसे? हम एक ही जबान से बहुत ज्यादा टेस्ट भी देख सकते हैं, राइट? आई बात समझ में बच्चों? वेरी गुड. ऑब्जर्व दिस, वॉश योर माउथ, ठीक है, अपने मुंह को साफ करिए, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, हमारे जबान को साफ करके आपको मिरर के सामने खड़े रहना है. स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली, राइट? अभी आपको क्या करना है, जबान बाहर निकाल करके राइट आईने के सामने खड़े हो जाना है. यू विल सी टीनी पीस ऑन द टंग, फिर आप जब जबान देखोगे ना बच्चों, आपको उसमें छोटे 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 होल दिखाई देंगे. दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स. इन छोटे छोटे होलों को क्या बोला जाता है? टेस्ट बर्ड्स बोला जाता है. दिस टेस्ट बर्ड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट, ठीक है, और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है. नो द डिफरेंट टेस्ट, राइट? चलिए अलग अलग टेस्ट करके देखते हैं. ओके, लेट अस सी हाउ द टंग टेल्स अस द डिफरेंट टेस्ट. चलिए देखते हैं कि हमारा जबान हमें अलग अलग टेस्ट कैसे बताता है. कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स, शुगर कैंडी और जैगरी, शुगर कैंडी या फिर जैगरी आप लेके आइए, सॉल्ट लेके आइए, नमक, लेमन लेकर के आइए, है ना, या फिर मेथी लेकर के आइए, मेथी सीड्स, फंग्रीन, द पीसेस ऑफ एन आमला लेके आइए, ठीक है, टेस्ट ईच ऑफ दिस थिंग, थोड़ा थोड़ा सबको खाइए. आफ्टर टेस्टिंग ईच वन, ओके, रिंस योर माउथ विथ वॉटर, फिर पानी पी करके कुल्ला करिए, है ना, वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन, ठीक है, फिर 2 मिनट रुक करके दूसरा टेस्ट करिएगा. तुरंत से खाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा. ओके, कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट इट, ठीक है, फिर आप ये टेबल जो है उसे आप अपने किताब में लिखिए, और करने के बाद ही, खाने के बाद ही लिखना है, कॉपी करके नहीं लिखना है. शुगर कैंडी है, जागरी है, खाया, टेस्ट किया, क्या लगा आपको? स्वीट लगा. सॉल्ट कैसा लगा लिखिए, टर्मेरिक, लेमन कैसे लगा, है ना, तो ऐसे सारी चीजों को आपको करके देखना है, ठीक है. देखो यहाँ पर, राइट, देखा, ये जो है करेला, हाँ, ये आपका आंवला, ये आपका इमली, और ये आपका लेमन, ठीक है, और ये जागरी. दैट्स गुड. नाउ प्ले अ गेम, जो मजा आएगा, चलिए गेम खेलते हैं. 4 or 5 ऑफ यू कैन प्ले दिस गेम टुगेदर, ठीक है, 4-5 लोग मिलकर के बच्चों ये गेम हम लोग खेल सकते हैं. 1 person इन इज इन द इट, ठीक है, ईच वन ऑफ अदर टेल्स इट द नेम ऑफ द फूडस्टफ, ठीक है, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे को एक फूडस्टफ का नाम बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, रॉ मैंगो, ग्रीन चिल्ली, चटनी, रॉक सॉल्ट और बंडी, लड्डू, ओके, खारी, बूंदी, अचीकू, मेडिसिन एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी बता सकते हो, राइट? द चाइल्ड हु इज इट
must show by meaning what it tastes like. Okay, take turns to be it. When everyone has had a turn at being, the game is finished, right? तो सारे लोगों को क्या करना है, इस गेम को खेलना है, ठीक है? तो आपको मिमिक करके, right? आपके टेस्ट के बारे में जो आप करते हो ना, उसके बारे में. I ate a chili, ठीक है? तो अभी चिल्ली खाओगे तो आप कैसे एक्टिंग करोगे? तो उस तरीके से उसको एक्टिंग कर करके बताना है. जब सामने वाला अगर आपको पकड़ लेता है तो दूसरा उसको टर्न में करके दिखाएगा. समझ में आया बच्चों? तो जब सबका टर्न खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, गेम खत्म हो जाएगा. व्हाट वी हैव लर्न्ड, अभी हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं. अवर डाइट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट फूड आइटम्स, हमने देखा है ना, हमारे खाने पीने में बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के पदार्थ होते हैं. राइट, देयर इज ग्रेट वैरायटी इन द फूड स्टफ्स वी यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस, ठीक है? अलग अलग डिशेस को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के फूड स्टफ्स, मतलब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. द फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स दैट मीट अवर फूड रिलेटेड नीड्स आर प्रेजेंट इन दिस फूड स्टफ्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है? जो अलग अलग प्रोपोर्शन में हम अलग अलग चीजों को लेते हैं. अवर फूड रिलेटेड नीड्स आर मेट इफ अवर बॉडी गेट्स ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स इन द राइट क्वांटिटीज, है ना? हमारी बॉडी सही सलामत होगी जब हम सारी चीजें बराबर सही मात्रा में खाते रहेंगे. ज्यादा खा गए तो भी प्रॉब्लम है और कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम है, राइट? अवर टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू नो द डिफरेंट टेस्ट, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं जबान में, उसकी वजह से हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है, राइट? सो ये चीजें. अब एक चीज और जो बहुत जरूरी है हमेशा याद रखना है, क्या है वो? Our diet should include all kinds of food stuff. मैंने बार बार बताया है कि आप सब कुछ खाओगे बच्चों, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं होगा, है ना? आप सब कुछ खाओगे क्योंकि आप जानते हो अगर सारी चीजें आपकी बॉडी को नहीं मिली तो आप बीमार पड़ सकते हो. क्या बीमार पड़ना चाहते हो? नहीं ना? तो आज से सब कुछ खाने का, ठीक है? मम्मी जो भी बना के देती है सब कुछ खाने का, क्योंकि मम्मी जानती है कि आपको पूरे तरीके से स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए. आई बात समझ में? राइट, तो इसी तरीके से आते जाइए और सीखते जाइए. कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट.